नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल। इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है और इसके जरिए देश की इकोनॉमी की सेहत का लेखा जोखा आज पेश कर दिया गया। सरकार ने इसमें कारोबारी साल 2024 के लिए 6 से 6.8% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया है। वहीं वित्तीय साल 2023 में इसके 7% रहने का भी अनुमान जताया गया है। हालांकि सरकार ने डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए और एक्सपोर्ट में कमी पर चिंता भी जताई है। साथ ही ये भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ सकता है। इस सर्वे से कुछ हद तक ये साफ हो गया है कि देश की इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है और इसके मुताबिक सरकार को क्या काम करना होगा। इसीलिए आज थोड़ा सा इकोनॉमिक सर्वे के आलोक पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि बजट में क्या इसका रिफ्लेक्शन दिख सकता है, और बजट से पहले भी जो देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति है जो इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है उसके क्या मायने हैं। जो इमीडिएट जो कंसर्न्स हैं उन पर भी बात करेंगे और लॉन्ग टर्म जो इम्प्लीकेशंस हैं उन पर भी बात होगी बेहद खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया। इसके जरिए उन्होंने इकोनॉमिक हेल्थ की तस्वीर देश के सामने रखी। सरकार ने कारोबारी साल 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ के 6 से 6.8% रहने का अनुमान जताया है। वहीं वित्तीय साल 2023 में इसके 7% रहने का अनुमान जताया गया है। मौजूदा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और ग्लोबल मंदी की आशंका के बीच जब दुनिया भर के देशों में आर्थिक हालात पर बुरा असर पड़ा है, भारत की इकोनॉमी ने मजबूती के साथ इन हालातों से उबरने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी रही। यही वजह है कि इकोनॉमिक फ्रंट पर देश की मजबूती बनी हुई है और कारोबारी साल 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ को 7.5% के करीब रहने की उम्मीद इकोनॉमिक सर्वे में जताई गई है। फिलहाल कोरोना काल के बाद तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत का प्रदर्शन बेहतर रहा है, जो इकोनॉमिक सर्वे में दिख भी रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में जारी आंकड़ों से कुछ और अच्छी उम्मीदें जगी हैं। एक तो भारत के पास पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व होने की बात कही गई है। वहीं पिछले साल के अप्रैल से दिसंबर की तुलना में इस दौरान गुड्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट में 16% की दर से बढ़ोतरी हुई है। कारोबारी साल 2023 के पहले 8 महीने में कैपेक्स की 63% से अधिक बढ़ोतरी देखने को मिली है। एमएसएमई की बात करें तो जनवरी से नवंबर के बीच इसके क्रेडिट ग्रोथ में 30% से अधिक की बढ़ोतरी देखी गई है। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक सर्वे में कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर के बैलेंस शीट को भी मजबूत दिखाया गया है। सरकार ने ग्रोथ के पहिए को रफ्तार देने का काम किया, जिसके चलते पीएम गतिशक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक्स से मैन्युफैक्चरिंग को न केवल मजबूती मिली बल्कि पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई है। रोजगार की बात करें तो शहरी बेरोजगारी दर पिछली तीसरी तिमाही के मुकाबले इस साल इस दौरान 9.8% से गिरकर 7.25% के कुछ नीचे आई है। अब उन पेन पॉइंट्स की बात करते हैं जो सरकार के लिए चिंता की बात है। सबसे पहले महंगाई के मोर्चे पर सरकार की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आरबीआई की तमाम कवायद के बाद भी महंगाई बनी हुई है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी भी सरकार के लिए चिंता की बात बनी हुई है। इससे एक्सपोर्ट में भी कमी आने का अनुमान लगाया गया है। इससे एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, वहीं इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। फिलहाल इस सर्वे से बहुत हद तक ये संकेत मिल गए हैं कि देश की इकोनॉमी की दिशा और दशा किस ओर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपके साथ करा दें। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, जो कि चेयरमैन है एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के और जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। अजय बग्गा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डीके श्रीवास्तव, चीफ पॉलिसी एडवाइजर हैं ईवाई इंडिया के। श्रीवास्तव सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बग्गा सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आपकी पहली प्रतिक्रिया मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने उसके बाद तफसील से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 40-45 मिनट की उनकी जो प्रेजेंटेशन थी उसमें उन्होंने तफसील से बताया कि इकोनॉमिक सर्वे में जो बातें हैं वो किन किन आधार पर ली गई है। वो 2000 उससे पहले के रिफॉर्म्स में भी तक गए, जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनका जिक्र किया, रिफॉर्म्स का जिक्र किया और आगे का रोड मैप भी रखा। ऐसे में आज जो खाका पेश किया गया है इकोनॉमी का, उस पर आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? ठीक है हमारी सेहत आर्थिक?
जी हाँ, देखिए जिस तरह का माहौल है दुनिया भर में और कोविड के चलते जो पिछले 2.5 साल रही दुनिया की हालात, उसके मद्देनज़र तो काफ़ी अच्छा ही परफॉर्मेंस रहा है भारत का। जो नंबर हैं, अगर आप पिछले साल देखें, पिछले साल CEA नहीं थे, कोई भी तो डिपार्टमेंट ने ही बनाया था इकोनॉमिक सर्वे। पिछले साल 8 से 8.5% की ग्रोथ का एक फोरकास्ट दिया गया था इस साल FY 2023 के लिए। उसके सामने 7% की ग्रोथ आ रही है, जिसमें सबसे बड़ा कारण रहा यूक्रेन का युद्ध और उसके चलते जो कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े, उसके चलते जो 282 बार विश्व के सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए, जिसके कारण हमने देखा एक स्लोडाउन आया ग्लोबली, तो भारत में भी 2.25% के रेट हाइक हुए, लिक्विडिटी सक आउट की गई, तो थोड़ा स्लोडाउन हुआ इकोनॉमी। 7% का रियल ग्रोथ का एस्टिमेट बताया है। अगले साल जो 6 से 6.8% का अनुमान है, वो मुझे थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है। मेरे अपनी एस्टिमेट में 5.25% से 5.5% रियल ग्रोथ होनी चाहिए। बेस केस जो 6.5% का लिया गया है, नॉमिनल GDP 11%, ये बेस रहेगा दीपक जी। कल की बजट के लिए 6.5 और 11% बेस रहेगा सारे कैलकुलेशंस के लिए, आपके फिजिकल डेफिसिट, सब्सिडी, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू और साथ में खर्चे के मूल्यांकन के लिए जो बेस रहेगा वो यही रहेगा। तो लगभग 300 लाख करोड़ का आप नॉमिनल GDP पकड़ के चलिए FY 2024 के लिए, ये बेस रहेगा। और बाकी जो चीज़ें कही गई, काफ़ी अच्छी सराहना की गई जो लिए गए हैं कदम। सबसे अहम बात मैं कहूँगा, कॉरपोरेट बैलेंस शीट्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, बैंक्स की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग रही है, डिजिटाइजेशन चल रहा है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ इशारा किया गया, और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो कैपेक्स बढ़ा है 1.5% GDP से लगभग 3% ऑफ GDP जो पहुंच रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जी तो 4 स्तंभ जो है इकोनॉमी के। प्राइवेट कंजम्पशन 58% आ रहा है GDP का, वो अभी भी रिकवर करना है स्पेशली रूरल में। दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर वो स्ट्रांग है। तीसरा एक्सपोर्ट्स वो स्ट्रांग रहे बट वो उसमें किल्लत आ सकती है इस साल। और आखिर में प्राइवेट कंजम्पशन जो अभी बढ़ना है, कॉरपोरेट कैपेक्स जो उभर के आ रहा है, अभी भी वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है बट उभरने की जरूर उम्मीद है। जी बिल्कुल। श्रीवास्तव सर, आपके पास आना चाहेंगे। एक जो आज चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र साहब ने जो अपनी प्रेजेंटेशन में जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे, वो बार बार इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दे रहे थे इस बात पर, और फोकस भी कर रहे थे कि अब हम रिकवरी फेज़ से बाहर आ चुके हैं, जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स रहा है और रिकवरी है उसका फेज़ निपट चुका है, हम कंप्लीटली बाहर आ चुके हैं, अब हमें बात उसकी नहीं करनी है। जैसा कि बग्गा सर ने भी कहा, बैंकिंग नॉन बैंकिंग जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी हेल्दी है, क्रेडिट ग्रोथ शानदार है, तो अब वो संकट का काल निकल गया। क्या आप इस बात से सहमत हैं सर कि अब पैंडेमिक की बात छोड़ देनी चाहिए, वो संकट काल अब निकल चुका है कंप्लीटली, लुक फॉरवर्ड, वे फॉरवर्ड? अंशतः कोविड का जो प्रभाव, दुष्प्रभाव था भारतीय अर्थव्यवस्था पर और विश्व अर्थव्यवस्था पर, उससे हम लोग तो बाहर आ गए हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद ही ये जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस शुरू हो गए, रूस और यूक्रेन के वॉर को देखते हुए, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो डिस्टरबेंस हो गया, वो जो एडवर्स प्रभाव है वो अभी भी चल रहे हैं। इसी को देखते हुए जो ग्लोबल अनसर्टेंटीज हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेंटीज हैं, उनके कारण बजट, ये इकोनॉमिक सर्वे में एक बड़ा रेंज दिया गया है, 6% से 6.8%। ये काफ़ी बड़ा रेंज है ग्रोथ की संभावना के लिए, और इसमें वास्तविकता में दोनों ओर जा सकते हैं हम लोग, 6% की ओर भी जा सकते हैं और 6.8% की ओर भी जा सकते हैं। अगर 6 की ओर जाएं तो इसका अर्थ ये होगा कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के चैलेंजेस हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर
अभी भी हावी हो जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि वैश्विक मंदी का जो दुष्प्रभाव है हमारे एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ पर वो काफी एडवर्स प्रभाव डालेगा ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पर, साथ में रुपए के ऊपर भी प्रेशर कंटिन्यू करेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज्यादा रहेगी। तो ये जो एडवर्स प्रेशर्स हैं इकॉनमी के, ये हमको 6% की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन इसके काउंटर में अगर एक मजबूत राजकोषीय नीति अपनाई जाएगी, और कम से कम दो बातें बजट में दिखलाई पड़े कि एक तो एक सिग्नल आए कि हम लोग फिस्कल कंसोलिडेशन की ओर वापस जा रहे हैं, जो कि मीडियम टर्म ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, और शॉर्ट टर्म ग्रोथ को अच्छा बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि किसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के ऊपर जोर दिया गया था अब तक, उसको बराबर राजकोषीय सहारा मिल सके अगले साल भी। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर राजकोषीय घाटे को 5.7% 5.8% तक घटाया जाए और पेट्रोलियम प्राइसेस कम होने से थोड़ा पेट्रोलियम लिंक सब्सिडीज की मात्रा में भी कमी होगी, तो उस स्थिति में कैपिटल एक्सपेंडिचर को फिर भी हम लोग 15% से बढ़ा सकेंगे केंद्र सरकार के बजट में। तो एक बहुत टाइट रोप वॉक करनी पड़ेगी बजट में, जिससे कि हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि हम लोग 6.8% के एंड पर जाए रादर देन फिसल करके हम लोग 6% या उससे भी नीचे की ओर जाए। ये एक बहुत कैलिब्रेशन और फिस्कल पॉलिसी के मैनेजमेंट की बात है, यानी कि हमें हर कदम को फूंक फूंक कर रखना होगा। संकट से हम धीरे धीरे उभर रहे हैं, आगे के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी शानदार नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसा श्रीवास्तव सर बता रहे हैं एक कुछ आपको नजर रखनी होगी अपने हर कदम पर। प्रोफेसर अरुण, महंगाई के मोर्चे पर आप किस तरह से देख रहे हैं? 5% से कम महंगाई का प्रोजेक्शन अगले फाइनेंशियल ईयर में सरकार की तरफ से जाहिर किया गया है। सरकार ये भी कह रही है कि CPI में कमी लगातार आ रही है, पिछले तीन चार महीने से हम देख रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट जो एक तरह से रिलेट करने की कोशिश की, WPI जो दिसंबर में 4% के आसपास आई है, CA साहब कह रहे हैं कि उसका एक लैग्ड इफेक्ट भी होता है CPI पर। तो हमारे पास काफी कुछ है उत्साहजनक। महंगाई के मोर्चे पर आप इतना उत्साहजनक तस्वीर देख रहे हैं सर? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि जब एक अर्थव्यवस्था क्राइसिस से निकल के आती है, जितना बड़ा शॉक लगा था अर्थव्यवस्था को, तो हमको GDP रेट ऑफ ग्रोथ से नहीं जाना चाहिए, हमको GDP का लेवल देखना चाहिए। हमारा जो GDP का लेवल अभी Q2 का जो आंकड़ा आया था वो 2019-20 के GDP के Q2 के आंकड़े से अगर कंपेयर करें तो सिर्फ 8% बढ़त है। यानी 3 साल में हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ रहा है वो 2.8% के आसपास रहा है। तो अभी ये कह देना कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ एकदम से उछाल पे आएगा और वो अच्छा चलेगा, वो बात मुझे नहीं लगती है। दूसरी बात ये कि हमारे जो GDP के आंकड़े आ रहे हैं उसमें असंगठित क्षेत्र नहीं आता है, वो उसको इंडिपेंडेंटली नहीं मेजर किया जाता है। तो ये जो आंकड़े हैं संगठित क्षेत्र के आंकड़े हैं कि 6%, 7%, 8%। जो असंगठित क्षेत्र है अगर उसको जोड़ ले तो फिर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ कहीं भी इस 6-8% के आसपास नहीं है, और हमारी अर्थव्यवस्था एक्चुअली फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है हमारी अर्थव्यवस्था। तो जो सबसे बड़ी समस्या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आ रही है वो असंगठित क्षेत्र की वजह से आ रही है, और असंगठित क्षेत्र को ही जो इन्फ्लेशन भी अफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, क्योंकि नाम ही है असंगठित। जब असंगठित है तो वो अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकता जैसे दाम बढ़ते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट के कम होने से फायदा नहीं होता असंगठित क्षेत्र को, क्योंकि उनकी तनख्वाह उतनी नहीं बढ़ती है। तो इन्फ्लेशन रेट कम होने का मतलब ये नहीं कि दाम गिर रहे हैं, इसका सिर्फ ये मतलब है कि दाम बढ़ने की दर कम हो गई है। तो अगर पिछले साल 10% इन्फ्लेशन का रेट था तो 100 रुपए की चीज 110 पे हो गई, अगर वो 5% इस समय इन्फ्लेशन चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब चीज का दाम 105 हो गया, वो 110 पे 5% ऊपर हुआ तो 115.5 हो गया। यानी कि जो असंगठित क्षेत्र है उसकी परचेजिंग पावर गिरती रहती है, और जब उसकी परचेजिंग पावर गिरती रहती है तो उससे हमारी डिमांड पे असर पड़ता है, और इसीलिए हमारा जो RBI का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का डेटा है वो दिखा रहा है कि हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 70 और 75 के बीच में ही चल रहा है, वो अभी करीब 72 के करीब है। और जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतना कम रहता है तो हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। सरकार जरूर अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है,
लेकिन सरकार का जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 10% है, तो 10% को बढ़ा के हम जो बाकी जो 90% की कमजोरी है उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो सरकार की नीतियां हैं उसमें अभी डिमांड की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसमें असंगठित क्षेत्र, यानी असंगठित क्षेत्र में दो बड़े हिस्से हैं, एक तो कृषि है जहां पे 47% लोग काम करते हैं, और जो हमारा नॉन एग्रीकल्चर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसका 31% आउटपुट है इकोनॉमी में। तो इनकी तरफ अगर हम ध्यान नहीं देंगे और उसमें भी माइक्रो सेक्टर पहली बार सर इसी गवर्नमेंट ने पहली बार ये असंगठित क्षेत्र को सोशल सिक्योरिटी से जोड़ने का काम भी किया है, उनके लिए श्रम पोर्टल, उनके रजिस्ट्रेशन का काम, तो उस दिशा में धीरे धीरे शायद काम हो रहा है, आप इसको नाकाफी मानते हैं? नहीं बनता है, रजिस्ट्रेशन से काम नहीं बनता। इस समय हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 42-45 के बीच में है, जबकि ब्राजील, चाइना, यूएस का 65% 68% है। तो हमारे यहाँ 20% लोग कम काम कर रहे हैं, और जो डेटा दिया गया है कि हमारा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो जो कम हो रहा है, तो एक्चुअली क्या हुआ है कि जो लेबर से विड्रॉ कर लिया है खासकर महिलाओं ने, और यूथ बहुत बड़े लेवल पे 15 से 29 साल के उम्र के जो बच्चे हैं वहां पे जितनी पढ़ाई उनकी ज्यादा है उतना ही बेरोजगारी भी उनकी ज्यादा है। ओके सर, ओके सर, यानी कि आपका पॉइंट ये है कि अभी असंगठित क्षेत्र के आंकड़े और उसकी जो उसका जो रेशियो है उसको समाहित किया जाना बाकी है, लेकिन बाकी जो ग्रोथ के जो पैमाने सरकार की ओर से दिए गए हैं उसमें हमारा अब भविष्य क्या नजर आ रहा है, इसको हम थोड़ा आगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक और जो बग्गा सर ने जिसकी शुरुआत करी कि आज जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसका रिफ्लेक्शन क्या दिखेगा, श्रीवास्तव सर भी कह रहे हैं कि आपको बजट में कुछ कॉन्शियस कदम उठाने पड़ेंगे, तो बजट से पहले जो इकोनॉमी की झलक आज दिखी है इकोनॉमिक सर्वे में उसी पर आज हम कर रहे हैं विश्लेषण बहुत ही खास मेहमानों के साथ। बग्गा सर, अभी सरकार भी खुद कह रही है कि एक्सपोर्ट थोड़ा सा सीमित रह सकता है या कमी आ सकती है क्योंकि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका हवाला देते हुए, अनसर्टेनिटीज जिसका जिक्र किया है सरकार ने बार बार नागेश्वरन साहब ने, अब इंपोर्ट में कमी रहेगी तो स्वाभाविक रूप से कैड पर भी उसका असर दिखाई देगा और ये चिंता रिफ्लेक्ट कर रही थी उनकी प्रेजेंटेशन में, कितना बड़ा होगा इस चुनौती से पार पाना सर, और इसको कैड को मैनेज करने के लिए क्या करना होगा? कल बजट में कुछ हम स्पेशल आउट ऑफ द बॉक्स प्रावधान देख सकते हैं? देखिए कैड का इशू जरूर है क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स वैसे भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव रहता है, तो वो ओवरकम होता है फॉरेन इनफ्लोज से। अब फॉरेन इनफ्लोज हमारे लिए नेगेटिव रहे और ये थोड़ा सा एक कॉशियस स्टैंस है क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में इनफ्लोज आए हैं जनवरी में, चाइना में जनवरी में $19 बिलियन के इनफ्लो आए, पूरे साल में 2022 में चाइना में $12,000 बिलियन आए थे, तो एक महीने में पूरे साल से ज़्यादा इनफ्लो आ गए और फोकस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का चाइनीज मार्केट की तरफ जा रहा है जियोपॉलिटिकल रिस्क के बावजूद। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम स्टेबल पॉलिसीज लाएं और कोई सरप्राइज ना हो, इस तरह का एक पॉलिसी स्टैंड दिखाना पड़ेगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। हमारा मार्केट चीप नहीं है, काफ़ी वैल्यूएशन वाइज हमारा मार्केट थोड़े प्रीमियम पे रहता है और चाइनीज मार्केट के मुकाबले तो नियरली 100% प्रीमियम पे हैं हम, अगर हमारा प्राइस अर्निंग 24-25 का देखें उनका 12 का चल रहा है जी। तो वैल्यूएशन वाइज भी इशू है जी सर। तो स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी रेजीम, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो हित में है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के, इस पे फोकस जरूर देखना पड़ेगा। और एक आंकड़ा दीपक जी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखेंगे वो रहेगा फिस्कल डेफिसिट का। देखिए 3.4 से हम पिछले 4 साल में स्लिपेज हुआ कोविड में, ठीक है, बट वहां से अब इमरजेंसी में नहीं है इकोनॉमी, फिर भी हम उम्मीद है कि 5.8 पर ही आएंगे और वो बहुत हाई है फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि साथ में आपको स्टेट्स का भी 2.5-3% ऐड करना है, तो कंबाइंड डेफिसिट जी 8.5-8.8 से कम नहीं है भारत का जी। बिल्कुल, तो फिस्कल डेफिसिट पर भी सबकी नज़र रहेगी और वाकई में ये देखना होगा कि किस तरह से मैनेज सरकार इसको करती है। श्रीवास्तव सर,
अब ग्लोबल स्लोडाउन का क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा है, आपको आपको गुड्स एंड सर्विसेज की बात तो कर रहे हैं लेकिन सर्विसेज का उसमें कितना आंकड़ा है ये भी हम जानते हैं। गुड्स का एक्सपोर्ट हमारे लिए एक थोड़ी चिंता की विषय ज्यादा है बजाय सर्विसेज के। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि इंडस्ट्री की हमारी बात हो रही थी इंडस्ट्री से, तो वो कह रहे हैं कि जो न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए आप थोड़ा सा और रिफॉर्म लेकर आइए, थोड़ा सा टैक्स एमनेस्टी उनके लिए बढ़ाइए, क्या इससे बात बनेगी सर? देखिए, एक तो फायदा ये होने वाला है अगले साल कि ग्लोबल क्रूड प्राइसेस का जो ट्रेंड है वो थोड़ा डाउनवर्ड है, जिसके कारण जो है वो सप्लाई कॉस्ट और सप्लाई की जो रिजिडिटीज हैं वो थोड़ी कम होंगी। बजट का जो मेन चैलेंज सामने आ रहा है, और ये करंट अकाउंट डेफिसिट से भी लिंक्ड है और फिस्कल डेफिसिट से भी लिंक्ड है, वो ये है कि अगले साल एक थोड़ा स्लिपेज है दो अच्छे सालों के बीच। FY23 में 7% ग्रोथ, FY25 में भी 6.8% ग्रोथ प्रिडिक्टेड है, लेकिन अगले साल रियल ग्रोथ 1% कम हो जाएगी, 6% के आसपास मान लीजिए। इससे भी ज्यादा सीरियस है कि नॉमिनल ग्रोथ जो है वो 4 से 4.5% बिंदु से कम हो जाएगी, यानी 11% 15.4 से घट के 11% हो जाएगी। इसका फर्क पड़ेगा टैक्स रेवेन्यूज पर, और टैक्स रेवेन्यू पर जब थोड़ा घटोतरी होगी तो फिर फिस्कल मैनेजमेंट जो है बहुत कठिन हो जाता है, और इसीलिए जो है फिस्कल डेफिसिट में कितना घटाया जा सकता है ये तो एक बात है। दूसरा ये है कि ये सिग्नल करना बहुत जरूरी है कि हम लोग फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ पर आगे चलेंगे, लेकिन बहुत कुछ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, यानी कि आपने कहा कि वो इंटेंट तो कम से कम सरकार को बनाना होगा, वो मैसेजिंग जरूर करनी होगी। अरुण सर, मेरे पास वक्त की कमी है, संक्षेप में आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा सर। कल हमको ओवरऑल थीम क्या मिल सकती है, हमारे सामने से पूरी सिचुएशन है डोमेस्टिक और ग्लोबल, तो थीम क्या रहेगी कल? देखिए, बाहर की डिमांड या बाहर से समस्याएं जो हैं उसको हमें अंदर से कंट्रोल करना पड़ेगा, और अंदर जो हमारी समस्या है जैसे पहले बात हुई वो है बेरोजगारी और वो है दाम के बढ़ना। तो दामों को कंट्रोल करने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी लानी पड़ेगी, खासकर जो एक्साइज है पेट्रोल डीजल वगैरह पे। हमें जो कच्चा तेल है रूस से $25 कम के दाम पे मिल रहा है बनिस्पत जो दाम था जब यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ, तो ये दाम कम किए जा सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी काटी जा सकती है, तो उस पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। दूसरा, हमें रोजगार बढ़ाने के लिए माइक्रो सेक्टर के लिए एमएसएमई में माइक्रो को अलग करना पड़ेगा, स्मॉल और मीडियम को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेनिफिट दिया जाता है एमएसएमई को वो मीडियम सेक्टर और स्मॉल सेक्टर उठा लेता है, माइक्रो सेक्टर तक नहीं पहुंचता है। तो माइक्रो सेक्टर में गिरावट है, उसके लिए सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है इस समय, उसके लिए कुछ कदम उठाने बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे सप्लाई बॉटलनेक्स हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन तेज रहा है, तो उसको हम अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे फायदा होगा, लेकिन जो बाहर से सप्लाई बॉटलनेक्स हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमारे हाथ में जो डोमेस्टिकली हम कर सकते हैं, जो भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो तो हमारे हाथ में है ही, उनका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। अब देखना ये होगा कि एक आम आदमी के हाथ में अगर पैसा आएगा, बचत आएगा, तो स्वाभाविक रूप से पूरी इकोनॉमी की सर्किल हेल्दी दिखाई देगी, वो कैसे सरकार लेकर आती है इस पर सबकी नजर रहेगी। हमारी स्पेशल कवरेज मेगा कवरेज जी बिजनेस पर आप लगातार देखेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, अजय सर आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू सो मच सर। श्रीवास्तव सर थैंक यू सो मच, अरुण सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।